देखो ये जेसीपी बुला रखी है और हम सब बैन आ रहे हैं यहाँ पे। अनऑथराइज होगी तो पूरी लाइन होगी, बीच का बताना तो अनऑथराइज होगा। आप जाइए ना, मैं डिफेंस पर्सन हूँ, इंडियन नेवी से रिटायर हूँ, मेरा मकान मैं फौजी हूँ, पेंशनर हूँ। अगर अनऑथराइज है तो पूरी लाइन अनऑथराइज है ना। ये देखो हम कैसे बैठे हैं सब। एक दिन पहले भी बताते तो सबके में ना जाए। जिसके हाथ में चाय थी वो चाय छोड़ कर आ गई, जिसके में रोटी थी वो रोटी छोड़ कर आ गई, किसी किसी के बहन का तो रोटी भी नहीं बनी है अभी तक, ऐसे भाग का आए हैं। ये फोटो ले रहे हैं यूट्यूब पे डाल दे, और कैसे ऐसे हो रहा है। हाँ यूट्यूब पे डल लगा, नहीं है तो फिर जान बूझ गए हो रहा ना। कागज यहाँ दिखा नहीं रहे, नहीं इनके पास कोई कागज है। जो कागज सागर ने मांगा वो कागज इन्हें दिया नहीं, इनके पास कोई कागज नहीं है। वो तो ले रखा है जो करवा रहा है, देखो मान नहीं रहे हैं, तोड़ के ही जाएंगे कह रहे हैं, तोड़ के ही जाएंगे। वोटर का सुत्ता है, इतना दबाव दे रहा है, देखो ऊपर तक। इससे अगला है जो इतनी पावर दे रहा है कि इसको तोड़ो। तत थोड़ी बना है मकान है, कितना अच्छा मकान बनाया। कैसे हटा रही है, हर्बल डोजर को आगे ले रहे हैं। ये देखिए कितना अत्याचार हो रहा है, ये चला दिया बलडोजर, ये देखो, ये देखो। हम सब लेडीज आगे खड़े हैं और पुलिस आके, लेडीज पुलिस आके सबको हटा रही है। वो आ गया बलडोजर, देखो कितना अत्याचार हो रहा है, देखो सब घर जाओ, चलो घर जाओ, चलो 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 जाओ घर जाओ, चलो चलो किस्मत हो गई। शारदा महलावत, शारदा जी जैसा कि आज आपका ये मकान ध्वस्तीकरण बिना आदेश के, आप लोगों के बिना सूचना के आज गिराया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? हम कहना चाहेंगे ये बता, हमारी इससे क्या दुश्मनी, जैसे हमने प्लॉट लिया जब ही मना कर देते कि यहाँ तुमने प्लॉट नहीं लेना, घर नहीं बनाना, तो हम नहीं बनाते घर। तो आज उसने हमारा घर क्यों तोड़वाया, ये कैलाश गहलोत ने तोड़वाया हमारा घर। उसका भांजा भांजा मदद करता है, अकेले सबसे लड़ता घर गिरवाता है सबके। ये बताओ उसके मामा के पास गए, वो भी हमारे साथ नहीं आया, हमारा साथ नहीं दे रहे, गांव वाले हमारा साथ दे रहे, उसका मामा भी हमारे साथ नहीं आया। सास ने कह रहा जीरो कर दो, तोड़ के आओ। ये बताओ हम कहाँ जाए, हमारे पास जमीन नहीं, हम उसको बेच के घर बनाए, हम कहाँ से घर बनाए। मंत्री बनाए, ये मंत्री बनाते क्या थड़ना है, हमारे घर तोड़वाएगा। हम नौकरी पेशे आए आदमी, हम कैसे, हमारे पास कोई जमीन नहीं है जो हम। आपका नाम? मेरा नाम अंदेश है, ये जो हमारा घर बन रहा था, मैं बहू हूँ उस घर। ठीक है, अगर लीगली कुछ लग रहा है कि इलीगल ये घर बन रहा है, तो चारों तरफ घर बने हुए हैं और हमसे पहले कैलाश गहलोत का घर है,
बिल्डिंग नहीं है लेकिन उन्होंने बना रखा है, सबसे पीछे जाके तो उसको भी तोड़ो, हमारे साथ में बना हुआ है, तब क्यों नहीं ये फोर्स आई, पीछे कंप्लेंट हुई। अभी अभी जस्ट एक कोठी बनी है और अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, उनका नहीं हो रहा और हमारे पे एक्शन हो रहा है। सरकार से क्या मांगे, क्या कहना चाहेंगे? यही हो रहा है, अगर लीगल है कुछ ऐसा हमने गलत किया तो सबके साथ वही होना चाहिए ना, सिर्फ हमारे साथ क्यों करेंगे? ना कोई विदाउट नोटिस के, बस ये हो गया डेमोलेशन का नोटिस आ गया, शोकॉज नोटिस भी हमें नहीं दिया, जो हमें टाइम मिलता हम बताते कुछ, अपने हाथ पैर हिलाते, हमें कोई टाइम नहीं मिला। एमसीडी की कल नोटिस दिया हमें, कल बस डेमोलेशन का लगा के चले गए और आज संडे हो गया बीच में और आज आके तोड़ना शुरू कर दिया। एमसीडी की गलती है, बड़े, और बड़े पर आम आदमी है, हमने ही जिताई है, पूरी पब्लिक ने जिताई है, ठीक है, आम आदमी का नेता है, हमसे ही बने हुए हैं और हमारे साथ ऐसा करेगा आगे से, हम तो वोट देंगे ही नहीं, हम किसी सरकार को वोट देंगे ही नहीं, कोई पार्टी आए। सही बात।